up guys, how's it going? This is Chitaj Mall and welcome to our fitness channel, Chitaj Mall Fitness. आपको देख के पता लग गया होगा ये ब्रसल स्प्राउट्स हैं और आज की वीडियो इज ऑल ऑन स्प्राउट्स। फिफ्थ या सिक्स क्लास में जब हम होते हैं या होते थे तो हमें एक प्रोजेक्ट मिलता था जर्मिनेशन का। टिफिन के अंदर कॉटन डाल के हम बीन्स डालते थे, दाल डालते थे और उसको जर्मिनेट करते थे। जब वो वाइट सी चीज़, इट यूज टू बी फैसिनेटिंग फॉर मी व्हेन आई वाज अ किड, वो जो वाइट सी चीज़ अंदर से टेल लाइक निकलती थी, उन बीन्स के अंदर से वो स्प्राउट्स हैं। और ये सुपर फूड है ऑफ अ कॉमन मैन जस्ट बिकॉज ये इजीली और चीपली अवेलेबल है नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में। अब इसको इसकी ड्यू इम्पोर्टेंस मेरे को लगता है इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हमारा जो नेचर है, ह्यूमन नेचर ये है कि हमें हर वो चीज़ जो इजीली मिलती है जिसको प्रमोट नहीं करा जाता उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम हो जाती है। और आप जानेंगे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्प्राउट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पावर हाउसेज हैं, दे आर इसके अंदर हाई प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसको अपने घर में प्लांट कर सकते हो ईजीली और इसको रॉ खा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रॉ खा सकते हो। लेकिन मेक श्योर प्रेगनेंट लेडीज, वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, वो इसको रॉ ना खाएं क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे और वो आपके लिए सही नहीं है। बाकी नॉर्मल लोग इसको रॉ भी खा सकते हैं। कुछ स्प्राउट्स आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा स्प्राउट्स के, देता हूँ कौन कौन से स्प्राउट्स आते हैं अभी मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है। एक है आपका अल्फा अल्फा ग्रीन स्प्राउट, एक है आपका ब्रोकली स्प्राउट, और कौन कौन से आते हैं, ये ब्रसल स्प्राउट, वीट स्प्राउट, और जो सबसे पॉपुलर स्प्राउट इंडिया के अंदर है वो है मूंग बीन। यस, दैट्स द वेरी पॉपुलर एंड ईजिली जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में वो है मूंग बीन स्प्राउट। अब मैं आपको कुछ इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताऊंगा जो वाइट सा लेबल हर खाने की आइटम पे होता है, आपको पता नहीं होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बताता हूँ। स्प्राउट्स जो हैं दे हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट, दे कंटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसके बाद अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, डाइट्री फाइबर होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नाइसिन, थायमिन, और क्या क्या होता है, फोलेट मैंने आपको बताया, इसमें बहुत चीज़ें हैं, पेंथाटेनिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यू कैन नॉट मिस ऑन दिस। और अगर हम मिनरल्स की बात करें, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बहुत सारे हैं, और कैल्शियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स, तो सब कुछ है यार इसके अंदर। अब मैं टॉपिक को थोड़ा सा आपको बताने की ट्राई करूंगा और ये रिलेटेड है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ये कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन वो फूड होते हैं जिसके अंदर ऑल 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन वो है जिसके अंदर 9 नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इनकम्प्लीट बोले तो आपको लगेगा यार आप बहुत सारे ऐसे खाने खा रहे हैं जो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट आपको लगेगा यार फिर तो हम शायद वेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन को, हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं तो आप उसको राइट कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन करके खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीनट बटर है, पीनट बटर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, लेकिन जब आप उसको ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, जिस ब्रेड के साथ भी खा रहे हैं, जब उसको उस पर स्प्रेड करते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाती है, इट बिकम्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, देयर यू गो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में पता चल चुका है। अब दालों पे आते हैं, दाल इंडिया में सुपर फूड है और बहुत ही कॉमन, डिनर, लंच कभी भी कर लो आप दाल खाओगे। मूंग दाल की अगर बात करते हैं तो दालों में, जैसे कि मैं बता रहा मूंग दाल की भी बात कर रहा हूँ, असेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, इट्स एन इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तभी मैं आपको इनकम्प्लीट और कम्प्लीट बता रहा था। अब क्या करें ऐसा कि दाल, नो डाउट अबाउट इट कि इट्स हाईली रिच इन प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, बट कम्प्लीट नहीं है क्योंकि दो असेंशियल अमीनो एसिड्स दालों के अंदर मिसिंग है और हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा दाल है इंडियन डाइट में, तो क्या करें ऐसा कि ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपको इक्वेशन यू नो कंबाइन करना है फूड को राइट फूड के साथ, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, मूंग दाल जो है उसको स्प्राउट करें, ठीक है। तो जब आप इसको स्प्राउट करोगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है, जो सारे न्यूट्रिएंट उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो बुरी तरीके से बढ़ जाएंगे और वो पावरफुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा जिसके अंदर 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ कुछ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इट हेल्प्स
इन डाइजेशन, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बूस्ट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प होती है। उसके बाद इसके अंदर डाइटरी फाइबर है, फाइबर आपको पता ही है आपके स्टूल को बल्कअप करता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के थ्रू हेल्प करता है पास करने में। सेकेंड जो मेरा पॉइंट है वो है कि प्रिवेंट करता है एनीमिया को। एनीमिया का मतलब क्या है, टेक्निकल टर्म है आपका आयरन डेफिशिएंसी के लिए। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर आप इनफ आयरन अपने खून से नहीं दे रहे हैं तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका काउंट ड्रॉप होएगा। काउंट ड्रॉप होएगा तो आपको फटीग होगी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होएगा, नॉजिया होएगा, लाइट हेडेड फील करोगे, स्टमक में प्रॉब्लम होएगी, तो ये सब होएगा। उसके बाद वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर हार्डली एनी कैलरीज होती हैं। कैलरीज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप अगर वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। उसके बाद इम्प्रूव्स योर हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, हैव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि इट्स अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बट अगैन ये गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL जिसके बारे में आपने सुना होगा, और ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में है ब्लड वेसल्स या आर्टरीज में से हैं वो उसको कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद पोटेशियम है इसके अंदर विच इज़ अ वाइसोडाइलेटर, और पोटेशियम भी आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स में से टेंशन रिलीज करता है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन सी, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, विटामिन सी आपको पता ही है पावरफुल स्टिमुलेंट है और यू नो ये हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स को ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। उसके बाद आपकी जो आईज हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है विच इज़ नोन फॉर ईयर्स के मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा वो ये है प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए, जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं वो एक्सपेक्टिंग बेबीज, अगर स्पेशली ये ब्रसल्स स्प्राउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को इफेक्ट करती है, थाउजेंड ऑफ बेबीज़ को इट इफेक्ट, बट इसके अंदर ब्रसल्स स्प्राउट्स पर स्पेशली ब्रसल्स स्प्राउट के अंदर ये प्रेजेंट है फॉलिक एसिड। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेक श्योर आप इसको लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रॉ स्प्राउट्स नहीं खाने प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और कैंसर प्रिवेंट करता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गिनाने अगर मैं बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ये थी छोटी सी वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी डाइट में ऐड करें, आप इसको सैंडविचेस में ले सकते हैं, वेजिटेबल करी बना रहे हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, सैलड में डाल सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में इसका होना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्षितिज मॉल फिटनेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर गाइज, ओवर एंड आउट।